हेलो फ्रेंड्स, आज हम 1857 की क्रांति के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में सिर्फ आपको वन लाइनर नोट्स मिलेंगे, ओनली फॉर रिवीजन के लिए। क्रांति के समय गवर्नर जनरल कैनिंग था, इंग्लैंड का पीएम पॉमस्टन था। प्रतीक चिन्ह क्रांति के लिए रोटी व कमल को बनाया गया था। क्रांति की तारीख 31 मई 1857 रखी गई थी। क्रांति की शुरुआत 10 मई को ही मेरठ से हो गई थी। क्रांति का नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया था। राजस्थान में एक राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई थी 1832 में। इसका कार्यालय अजमेर में था। मुख्य अधिकारी AGG होता था, प्रथम AGG लोकेट था। 1845 में राजपूताना रेजिडेंस का ग्रीष्मकालीन कार्यालय आबू में स्थानांतरित कर दिया गया। क्रांति के समय AGG जॉन पैट्रिक लॉरेंस को बनाया गया था। इसी तरह हमारे राजस्थान की प्रमुख रियासतें, उनके पॉलिटिकल एजेंट और शासक। जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट ईडन था। यहाँ का शासक राम सिंह द्वित्य थे। कोटा बटन राम सिंह द्वित्य। मेवाड़ या उदयपुर का पीए सावरसा शासक स्वरूप सिंह थे। मारवाड़ या जोधपुर के पीए मैकमोशन तप सिंह शासक थे। भरतपुर मॉरिशंस जसवंत सिंह शासक थे और सिरोही के जेडी हॉल थे शासक शिव सिंह थे। धौलपुर के भगवंत सिंह, बीकानेर के सरदार सिंह और करौली के शासक मदन पाल सिंह थे। टोंक रियासत के वजीरुद्दौला, बूंदी के राम सिंह, अलवर विनय सिंह, प्रतापगढ़ के दलपत सिंह, झालावाड़ के पृथ्वी सिंह और जैसलमेर के रणजीत सिंह थे। राजस्थान में क्रांति के समय 6 छावनियां बनाई गई थी। नसीराबाद छावनी अजमेर में स्थित है, ये सबसे बड़ी छावनी थी। एरिनपुरा छावनी पाली में स्थित है, यहाँ पर जोधपुर लीजन के सैनिक थे। नीमच छावनी मध्य प्रदेश में थी। राजस्थान से एकमात्र बाहर की छावनी थी, इसकी देखभाल मेवाड़ का पीए यानी सौवर्ष करता था। ब्यावर छावनी अजमेर में स्थित थी, लेकिन ब्यावर अब एक जिला बन चुका है। यहाँ पर मेयर रेजिडेंस के सैनिक थे। देवली टोंक में आता है, यहाँ पर कोटा के सैनिक थे। खेरवाड़ा उदयपुर, यहाँ मेवाड़ भीरकौल के सैनिक स्थापित थे। नोट करना, आप मेरवाड़ा व ब्यावर छावनी में प्रतीक रूप से कोई भी विरोध नहीं हुआ था। अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद देखने के लिए। अगला 1857 की क्रांति का ही वीडियो आपको पार्ट 2 में जरूर मिलेगा।